जिसे हाल ही में टोक्यो की एग्जीबिशन में पेश किया गया। ये रोबोट नूडल्स को पैक करने में मदद करता है। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि ये खाना बनाने वाली कंपनियों के काम आ सकता है, जिन्हें खाने की पैकिंग के लिए लोग नहीं मिलते। महामारी के समय काम करने वालों की खासी कमी हो गई थी। ये रोबोट एक बार में 500 ग्राम नूडल्स या इतनी ही मात्रा में कटी हुई सब्जियां और फ्राइड चिकन उठा सकता है। ऐसे रोबोट की कीमत 2.5 लाख डॉलर हो सकती है।